वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेफ के बारे में। अगर आप इसमें व्यू जीएस के अंदर कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी डोम है, उसका रेफरेंस बनाना चाहते हो तो आप कैसे बना सकते हो। इसमें क्या होता है, एक रेफ नाम की होती है, ठीक है। उस कीवर्ड को आप यूज़ करो और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने सिंपल इसमें क्या करा है, एक कंपोनेंट को इम्पोर्ट करा और यहाँ पर उसको यूज़ करा है। ये मेरा कंपोनेंट है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई फॉर्म है, मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, उन उनके फील्ड को मतलब रेफ के थ्रू गेट करने की कोशिश करता हूँ, उसकी वैल्यू को, आईडी को, क्लास को, मतलब जो भी है, पूरा ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो पूरा मिल जाएगा डोम का। मैं यहाँ बना लेता हूँ एक इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप, ये बना दिया मैंने टेक्स्ट, ठीक है। एक बटन बनाते हैं, ये मैंने बनाया बटन, इसको लिख देते हैं बटन का नाम ऐड, और यहाँ मैं लगा देता हूँ br ताकि ये नीचे लाइन में आए। ये हो गया बटन, और यहाँ पे जैसे इस बटन पे क्लिक करें तो मैं एक मेथड कॉल करूँगा अपना, जिसका नाम कर देते हैं कि सबमिट डेटा, और एक मेथड मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मेथड्स, इसके अंदर हम बना लेते हैं ये, और यहाँ से पहले तो इसे कर देते हैं प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ मैं करा देता हूँ कंसोल हेलो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि ये हमारा अभी आया या नहीं आया। यहाँ पे ये करा मैंने क्लिक, इस पे मैंने जैसे ही ऐड करा तो देखो हेलो आ गया, ठीक है। हेलो आने के बाद, हेलो आ गया। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि चलो इसका एक रेफ बनाते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रेफ, और इसका नाम हमने रख दिया कि ये हो गया हमारा यूजर नेम। अब इसको मेरे को गेट करना है कि इस फील्ड में क्या वैल्यू पड़ी हुई है। अगर इसके मा इसमें अगर वैल्यू भी पड़ी हुई है, मान लो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई इसमें टेस्ट, ठीक है, इसका कुछ क्लास भी है, क्लास भी डाल देते हैं। ये हो गया फॉर्म डेटा नाम की कोई क्लास पड़ी है, तो ये मैं कैसे गेट कर सकता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट डॉलर रेफ, ठीक है। उसके बाद रेफ्स लिखने के बाद आप लिख सकते हो उस वेरिएबल का नाम जो आपने यहाँ पे डिफाइन करा है। मैंने करा है यूज़र नेम, यहाँ यूज़र नेम लिख दिया मैंने। अब देखते हैं इसको, ये मैंने करा ऐड, तो ये देखो पूरा रेफरेंस आ गया ना इसमें कि क्या है, इनपुट टाइप, क्लास, वैल्यू को लेना है, तो वैल्यू को लेने के लिए यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यू। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ देखो इसके अंदर जो वैल्यू थी वो मिल गई, अभी तो टेस्ट थी, बाद में मैं कुछ और कर देता हूँ, ये मैंने ऐड करा वो वाली वैल्यू आ गई। इस पर चलो कुछ भी लगाना है आपको, क्लास मतलब कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है ना वो सब कर सकते हो आप, कि यहाँ फोकस करना है, कुछ कलर चेंज करना है, तो जो भी एक्स वाई जेड आप कर सकते हो। फोकस, चलो हम फोकस कर लेते हैं अभी, कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो ये देखो फोकस हो गया ना, पूरा बाउंड्री से आ गई। चलो ये ऐसा है कि ये तो बटन पर क्लिक करवाया है, पेज लोड होने के टाइम पर ही आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी कर सकते हो। जैसे कि ये हमारी हेडिंग लिखी हुई है, इस हेडिंग के अंदर हम डाल देते हैं आईडी, ये लिख दिया मैंने टेस्टिंग, टेस्ट हेडिंग। इसमें चलो क्लास भी ऐड कर देते हैं, क्लास कर देते हैं एक कलर क्लास, ठीक है। अब बनाते हैं इसका रेफरेंस, ये मैंने लिखा रेफ और इसका नाम हम रख देते हैं हेड, और जैसे ही हमारा ये क्रिएट हो जाए तो ये हमारा कॉल हो जाए। ये क्रिएट हमने क्या ले लिया, अपना लाइफ साइकिल हो गया, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ही हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो, नहीं नहीं क्रिएट नहीं, माउंट हो, क्योंकि अभी देखो क्रिएट होगा ना तो अनडिफाइंड बताया गया, क्योंकि ये डेटा तो जब एक बार माउंट हो जाएगा उसके बाद ही निकालना है ना हमें, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा माउंटेड। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसको दिस डॉट रेफ्स, डॉट हमारे रेफ्स का नाम, रेफ्स का नाम है हेडिंग मतलब हेड। ये करा, इसको चेक करते हैं, ये मैंने करा इसको रिफ्रेश, और ये क्या हो गया, ये हो गया रेफ, इसको क्या हो गया, इसको एक्स करता हूँ। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी हेड, ये क्या हो गया रेफ,
अच्छा यहाँ तो मैं डॉलर लगाना भूल गया, ये आएगा डॉलर, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ये देखो आ गया ना पूरा, इसके अंदर पूरी हेडिंग। अब इस कंपोनेंट, इस मतलब जो ये ऑब्जेक्ट आया पूरे डोम का बन के, इस पे आपको जो लेना है, इसकी क्लास का नेम लेना है, ऐड करनी है, कुछ हटाना है, तो कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये था इसमें रेफ, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।